विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी की, वो सारा अपना एशिया कप भूल गया, उसी को पैकेज कर दिया उन्होंने। नहीं वो तो तीन साल बाद थी ना, विराट कोहली की तो वो 71वीं सेंचुरी तीन साल से अटकी हुई थी, इसलिए उसकी इतनी इंपॉर्टेंस थी, वरना तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं करता। क्या मतलब चार मैच, चार कैच छुटे हैं उसके, चार कैच छुटे हैं, तो वैसे चलांगे। ये नहीं है कि दोनों ने बात कर ली और अच्छी बात की है, लेकिन विराट कोहली कभी T20 का बेहतरीन प्लेयर नहीं रहा, एवरेज अच्छा है, स्ट्राइक रेट हम आपको मुवादना करते हैं, स्मिथ के साथ करते हैं, विलियमसन करते हैं, बाबर आजम करते हैं, रूट करते हैं। ये विराट कोहली नाम है क्लास का, तजुर्बे का और क्रिकेट के मैदान मर्द का। पाक भारत मैच में विराट कोहली ने औसान और जोश में तवाज़ुन। अमित राजा साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इन्होंने कुछ दिनों पहले एक चैनल में बैठ के अब जनरली मजाक उड़ाया था कोहली का बैठ के वापस। जब क्रेडिट गोज टू विराट कोहली के, जिस तरह की आज उसने इनिंग्स खेली है, बहुत बड़ी इनिंग्स खेली है सर, दैट इज अ हिस्टोरिक इनिंग, एंड भारत के क्रिकेट फैंस क्या पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस भी इसको हमेशा याद रखें। वक्त आया उसने हारिस रऊफ जो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था उसको, उसने आखिरी दो बॉलों पे छक्के लगा दिए, जो के मैच वो गेम चेंजर छक्के थे दोनों के दोनों, वहां से मैच जो है पाकिस्तान के हाथ से गया। तो विराट कोहली ने नंबर 3 पे आके मैच जिता दिया ना इंडिया को, ये होती है क्वालिटी बैट्समैन, ये होता है उसको किंग कोहली कहा जाता है। सूर्य कुमार यादव जिस किस्म की फॉर्म में है, रोहित शर्मा जिस किस्म की फॉर्म में है, आई मीन उनके मेन 4 बैट्समैन आप ऊपर से आउट कर देते हैं, तो उसके बाद ऑब्वियसली इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू जस्ट कम बैक इन दिस गेम, बट अगेन आई मीन दिस इज़ हाउ इट इज़, वन ऑफ द ग्रेट्स अगर आप कहें, द वे विराट प्लेड आई थिंक ही शोड हिज क्लास। और जैसे ये रमीज राजा का लगभग 1 या 2 हफ्ते पुराना इंटरव्यू है, और ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, विराट कोहली को लेकर कमेंट किया था कि विराट कोहली ने जो अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी, 4 कैच छूटे, ये वो अफगानी प्लेयर जानबूझकर मौके दे रहे थे, इस तरीके के कमेंट किए गए थे पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा उस टाइम पे। अब पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट को दे रहे हैं जवाब रमीज राजा को कि आप इस तरीके के बड़बोले बयान देते हो, आप बोलो विराट कोहली के बारे में कुछ। तो दोस्तों कल जो विराट कोहली की इनिंग थी वो मतलब मेरे हिसाब से विराट कोहली के करियर की सबसे बेस्ट थी। सचिन तेंदुलकर ने भी ये ट्वीट किया है, ट्वीट करने के साथ साथ विराट कोहली ने इंटरव्यू में बोला भी था कि शायद ये मेरी बेस्ट इनिंग है। चलो दोस्तों पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं बात, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये इंडिया को हरा दिया, एशिया कप जीते, इंडिया को क्यों हराएं हम, मतलब हम 8वीं नंबर टीम से अगर हार रहे हैं मगर हम इंडिया को हरा रहे हैं तो क्या नहीं 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 पॉइंट कहने का ये नहीं है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि पहले तो पहली हर्डल पे रुक जाते थे ना। यस आप समझे हैं या नहीं है? तो अब तो आप देखें, मैं यही कहता हूँ कि आप फाइनल तक पहुंचे, ठीक है, ठीक नहीं खेले, कभी नहीं ठीक खेलते हैं, प्रॉब्लम है, फ्रीज जैसे मैंने कहा कि फ्रीज हो जाते हैं, मगर बाकी एशिया में भी तो टीम्स थी ना, सो इंडिया को तो वहां पे चौराहे में खड़े करके सबको तो गालियां गलौज देनी चाहिए थी, फिर वो तो फाइनल तक भी नहीं पहुंचे। तो ऐसा नहीं करते हैं वहां के फैंस, और ऐसा नहीं करते हैं वहां के लिखने वाले, और ऐसा नहीं करते हैं सवेरा पाशा एंड कंपनी जैसे करते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है, हमसे बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, वो बहुत क्रिटिकल है, बट क्रिटिकल नहीं है वो। देखे मैं आपको बताऊं, मैं बताऊं, विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी की, वो सारा अपना एशिया कप भूल गया, उसी को पैकेज कर दिया उन्होंने। हम कभी ऐसा कर सकते हैं? हम कहते हैं जी बाबर आजम ने सेंचुरी कर दी, मगर ये स्ट्राइक रेट 131.5 था जबकि डेविड वार्नर का 147.3 होता है, तो इस लिहाज से ये निकम्मा है। तो वैसे छलांगे मारा करे ना, ये 4 कैच छूटने को तो रमीज फिर मैं कुदरत का निजाम कहूंगी, बिकॉज कुदरत का निजाम इज वेरी फेमस दीस डेज। सकलेन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी गालबन उसकी तरफ भी सवेरा इशारा कर रही है कि हर चीज कुदरत के निजाम पे लाके छोड़ देना। आपने भी सुनी होगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप हमारे खिलाड़ियों की और बाकी कोचिंग स्टाफ की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, इट्स वेरी लिटिल टेक्निकल डिटेल्स दैट दे टॉक अबाउट, ये हो गया जी, ये हो गया, ऐसा था तो वैसा था। क्या ये वही सवाल ही पैदा होता है कि क्या ये टेक्निकल टॉक एक्चुअली ड्रेसिंग रूम में भी हो रही है, या फिर ये हो रहा है कि यार कुदरत का निजाम है देख लेते हैं ट्राई मारते हैं? ये दिस वॉज द पॉइंट। देखें अगर अगर कुदरत का निजाम भी है तो 80% तो आप मैच जीत रहे हैं, चांसेस मिले, ठीक है, आज उसी कोहली ने आपको गार्ड दिया मैच के अंदर। बात यह कि आप थोड़ा सोच समझ के बोला करें। दूसरा ही ऐसा मुझे लगता है कि वही मैं फिर से यहाँ रिपीट करूंगा कि ना सिर्फ टीम में, इवन क्रिकेट बोर्ड में एक स्टबर्ननेस का एलिमेंट आ गया है।
ये अगर कोई आप कुछ कहें इनको बैठने के लिए ये समझते हैं कि पता नहीं हम क्या मतलब इनके पीछे पड़ेंगे, क्या मसला है भाई। आप अगर अच्छी बात हो रही है आप सुने उसको। अब देखें रमींद्र राजा साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इन्होंने कुछ दिनों पहले एक चैनल में बैठ के अब जनरली मजाक उड़ाया था कोहली का बैठ के वापस, जब इन्होंने ये कहा था जब इनसे बात हो रही थी, इनसे कोई सवाल हुआ कोहली और बाबर का, तो इन्होंने कहा जब वो सेंचुरी पे सवाल हुआ तो इन्होंने कहा यार वो कोहली की सेंचुरी में भी तो तीन उसको चांसेस मिले, ठीक है आज उसी कोहली ने आपको काट दिया मैच के अंदर। बात यह है कि आप थोड़ा सोच समझ के बोला करें। दूसरा यह है कि अगर कोई सामने से आपको कोई चीज बोल रहा है तो कंसिडर करें उस चीज को कि हाँ हो सकता है ये बंदा सही बोल रहा हो। मैं समझता हूं कि बाबर रिजवान का जो गोल्डन पीरियड था ओपनिंग पार्टनरशिप का, उनकी जो पैर का, आई थिंक दैट टाइम हैज गॉन नाउ बिकॉज टीम्स हैव वर्कड आउट, टीमों ने अब वर्कआउट कर लिया दोनों टीमों को पता है इनकी कमजोरी है। देखिए आज रिजवान को जिस तरह आउट किया हरदीप सिंह ने, सेटअप किया उसने उसको पकड़ा था, मतलब उसने सीधी सीधी गेंद कराता रहा बार बार एकदम से उसने शॉर्ट पिच में मारी, उसको पता था ये रिफ्लेक्स शॉट खेलेगा और उसने वही किया, उसने रिफ्लेक्स शॉट खेला फील्डर उन्होंने खड़ा किया था पीछे कैच लेने के लिए। तो मुझे लगता है कि रिजवान और बाबर की जो ओपनिंग जोड़ी थी उसका शायद गोल्डन पीरियड अब निकल चुका है। अब उसका तरीका ये कि आप ओपोनेंट को सरप्राइज करने के लिए दूसरा मतलब पैटर्न इस्तेमाल करने की कोशिश करें, हो सकता है उससे फर्क पड़ जाए। आज शान अच्छा खेला है लेकिन मुझे शान से एक डिसअपॉइंटमेंट ये जरूर थी कि शान ने उस तरह से अपनी इनिंग्स को नहीं बिल्ड किया जैसे उसको करना चाहिए था, क्योंकि वो थोड़ा घबराया हुआ मुझे लग रहा था। इफ्तिकार प्लेड आउटस्टैंडिंगली वेल, इफ्तिकार ने तो बहुत अच्छा खेला है, उसने जो एक ओवर में उसको अक्षर पटेल को जो उसने रन मारे तीन छक्के मारे वहां से पाकिस्तान मैच में वापस आया, वरना उधर तक तो पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था, 14 ओवर में तो पाकिस्तान 100 रन नहीं हो। बिल्कुल विराट कोहली ने नंबर 3 पे आके मैच जिता दिया ना इंडिया को, ये होती है क्वालिटी बैट्समैन, ये होता है, ये होता है, उसको किंग कोहली कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है किंग कोहली, उसने दिखाया कि प्रेशर में कैसे खेला जाता है। उसने भी शुरू में आज स्लो खेला है, उसके भी एक वक्त में 20 बॉलों में 11 रन नहीं थे उसके, लेकिन एंड में जब वक्त आया उसने हारो स्नो जो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था उसको उसने आखिरी दो बॉलों पे छक्के लगा दिए जो कि मैच वो गेम चेंजर छक्के थे दोनों के दोनों, वहां से मैच जो है पाकिस्तान के हाथ से। ये नहीं है कि दोनों ने बात कर ली और अच्छी बात की है, लेकिन विराट कोहली कभी T20 का बेहतरीन प्लेयर नहीं रहा, एवरेज अच्छा है, स्ट्राइक रेट हम आपको मुवादना करते हैं स्मिथ के साथ करते हैं, विलियमसन करते हैं, बाबर आजम करते हैं, रूट करते हैं। ये दुनिया पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक नजर डाल लेते हैं फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इंडिया वन बाय 4 विकेट्स, वी कुड हैव वन दैट बट यस प्लीज सर राजू भाई। तो दोस्तों ये वीडियो यहां पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान के जर्नलिस्ट रमीज राजा को आईना दिखा रहे थे। यार मैं रमीज राजा को बहुत ही मतलब एक नेचुरल टाइप का मतलब जेन्युइन समझता था, जो इंडिया में काफ़ी काम किया है इन्होंने, आईपीएल में कमेंट्री की, इंडिया में स्टार स्पोर्ट के लिए काम किया और बहुत लंबे समय से इंडिया में काम किया, और इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल जिसको लेकर भी वहाँ पर ये काफ़ी पॉजिटिव बोला करते थे आपने सुना होगा। बट जब से ये पीसीबी के चेयरमैन हुए बने पता नहीं इनको क्या हो गया है, अजीब अजीब से इनके बयान आते रहते हैं। यार ऐसे अजीब अजीब से बयान देने से कोई फ़ायदा नहीं है, पीसीबी के चेयरमैन तुम ज़्यादा दिन तक रहोगे नहीं, ये बात तो कन्फर्म है। और उसके बाद तुम्हें आना है यूट्यूब पर ही, उसके बाद तुम्हें अपना कमेंट्री करने के लिए आना है, तो इस तरीके के बयान मत दो जिससे कि बाद में तुम फिर, क्योंकि शब्द जो क्या बोलते हूँ मैं, एक मुहावरा है ना, शब्दों से निकले हुए घाव नहीं भरे जा सकते, तलवारों से या हथियारों से मारे गए, कुछ ऐसा मुहावरा है मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है, बस यही बोलना चाहता हूँ कि जो इस तरीके के शब्द आप बोल रहे हो, इस तरीके की बातें कर रहे हो, वो बाद में आपको वो दिखाई जाएंगे। विराट कोहली, आप फिर विराट कोहली की आप तारीफ किस मुंह से करोगे? क्या विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ जो सेंचुरी मारी उसको तो ये लोग मतलब यही बोल रहे थे कि यार वो पूरा फिक्स था, अफगानी प्लेयर जानबूझकर कैच छोड़े थे, इस तरीके के कमेंट आए थे पाकिस्तान की तरफ से। अब कल की इनिंग के बारे में बोल दो यार, कल की इनिंग के बारे में तुम यही बोल दो कि वो नवाज़ और शाहीन अफरीदी जो लास्ट में वाइड फेंक रहे थे, नो बॉल डाल रहे थे, वो सब फिक्स थी, इंडिया ने बीसीसीआई ने खरीद लिया पाकिस्तानी भेकारियों को, तो वो सब ऐसी हरकतें करने लगे। यार प्रेशर वाला गेम है, नवाज़ की तो कोई गलती है नहीं, नवाज़ को बेचारे को एक्स्ट्रा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, मेरे हिसाब से तो पहले तो सबसे पहले शाहीन को पकड़ना चाहिए, 48 चाहिए थे 3 ओवर में, शाहीन का ओवर ख़त्म हुआ 31 चाहिए। फिर हारिस राव को भी कोई उसकी गलती नहीं, अच्छी बॉलिंग की उसने पूरे मैच में, केवल 2 बॉल निकाल दे तो। उसके बाद नवाज़ अब आखिरी ओवर 16 रन चाहिए है, हार्दिक पांड्या है, वो तो हार्दिक पांड्या का थोड़ा सा बैड लक था कि वो सामने खेलने की कोशिश नहीं कर रहा था, सामने खेलता तो वो हार्दिक पांड्या ही गेम फिनिश करता मुझे ऐसा लग रहा था, ठीक है। उसके बाद उसको कीपर पीछे, इतना कन्फ्यूज़न पाकिस्तान प्रेशर में, आप देख रहे थे किस तरीके से बिहेव कर रहा था, हो गया काम। रमीज राजा के इस बयान के बारे में आपको क्या कहना है प्लीज़ कॉमेंट पर भी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।